अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव के, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पहले ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी आरएलडी ने तय किया है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनेगी, तो भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर